नमस्कार साथियों, तरावाटी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय जलवायु के अगले बिंदु को लेकर। हमारा अगला पॉइंट है भारतीय जलवायु में मानसून की क्रियाविधि। इस मानसून की क्रियाविधि में हम देखेंगे भारत के मानसून को लेकर के एग्जामों में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, उनमें से मानसून के संबंध में जितनी शब्दावली है उसको लेकर के प्रश्न आते हैं। तो भारतीय मानसून के संदर्भ में जितने भी हमारे जो मानसून की क्रियाविधि को लेकर के सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के आधार पर जो जो प्रश्न बनते हैं उसकी चर्चा भी हम यहाँ करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारतीय मानसून को आगे बढ़ाने में या भारतीय मानसून के अग्रसर होने में किन किन सिद्धांतों का योगदान है, किस आधार पर भारतीय मानसून भारतीय उपमहाद्वीप में सक्रिय होता है, इसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो विगत क्लासों के साथ हमने यहाँ तक देख लिया था भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। अब है हमारा भारतीय मानसून की क्रियाविधि। इस क्रियाविधि को लेकर के हम चर्चा करेंगे। इस चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लास अगर पसंद आ रही है तो आप इनको लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। बढ़ते हैं हम हमारे पॉइंट की ओर। भारतीय मानसून की क्रियाविधि को लेकर करेंगे चर्चा। देखिए, भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों में कुछ जो सिद्धांत दिए हैं उन सिद्धांतों की सबसे पहले चर्चा करें। तो पहला हमारा सिद्धांत है तापीय सिद्धांत। तापीय सिद्धांत। दूसरा है गत्यात्मक सिद्धांत। गत्यात्मक सिद्धांत। नेक्स्ट है ITCZ। इसको कहा जाता है अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अभिसरण क्षेत्र अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ये दो प्रकार का होता है, उत्तरी गोलार्ध व दक्षिणी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में होता है उसको कहा जाता है NITCZ, तथा दक्षिणी गोलार्ध में है इसको कहा जाता है SITCZ। NITCZ तथा SITCZ, इसमें इसका योगदान भारतीय मानसून के लिए है। इसको कहा जाता है अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। साथ ही है जेट पौने या जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम या जेट स्ट्रीम पौने। और पांचवा कारक है वो है अल नीनो व ला नीनो। अल नीनो व ला नीनो, ये भारतीय मानसून की क्रियाविधि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इनके प्रभाव में आकर के भारतीय मानसून अग्रसर होता है तथा भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा करता है। यहाँ आपके सामने ये पांच कारक हैं, इन्हीं परिणामों के परिणाम स्वरूप भारतीय मानसून सक्रिय होता है तथा भारतीय भूभाग पर वर्षा करता है। हमने बात की भारतीय भूभाग के साथ साथ भारतीय उपमहाद्वीप की, तो आपके लिए प्रश्न है जो आप अगर वीडियो को देख रहे हैं तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देकर के बताएंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देशों को सम्मिलित किया जाता है, अर्थात ये मानसून केवल और केवल भारत के लिए नहीं है, भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल होने वाले उन देशों के लिए भी है जिनमें मानसूनी जलवायु पाई जाती है। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश शामिल हैं भारत के अतिरिक्त, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, आपके लिए क्वेश्चन है। अब यहाँ इनको समझने का प्रयास करेंगे, इनके परिणाम स्वरूप किस प्रकार से भारतीय मानसून अग्रसर होता है और भारतीय मानसून है
वो किस प्रकार से अग्रसर होकर के भारत में वर्षा करता है और भारतीय मानसून की जो उपस्थिति है वो हमें किस प्रकार से दिखलाई पड़ती है, इसकी चर्चा भी करने जा रहे हैं। देखिए, हमारे भारतीय मानसून को लेकर के जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है वो है गत्यात्मक सिद्धांत व तापीय सिद्धांत। उनमें इम्पोर्टेंट रूप से भारतीय मानसून का जो महत्वपूर्ण कारक है वो है तापीय सिद्धांत। समझेंगे छोटा सा, तापीय सिद्धांत क्या है। धरातल के ऊपर सूर्य की जो किरणें हैं वो सर्वत्र समान नहीं पड़ पाती हैं, इसलिए जिस स्थान पर सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं, सीधी गिरती हैं, उस स्थान पर सर्वाधिक गर्मी पड़ती है, तथा जिस स्थान पर सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं वहाँ ऊष्मा का प्रभाव कम होने के कारण वर्ष भर ठंडक रहती है। ऐसी स्थिति में जहाँ सूर्य की किरणें सीधी होती हैं, लंबवत होती हैं, वह क्षेत्र न्यून वायुदाब का केंद्र स्थापित होता है, तथा जहाँ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं वह प्रदेश ठंडा होने के कारण उच्च वायुदाब का केंद्र स्थापित होता है, तथा पवने सदा उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर अग्रसर होती हैं। यही कारण है कि तापीय सिद्धांत के अनुसार भारतीय मौसम है वो मौसम मानसून के रूप में अग्रसर होता है, और ये मौसमी जो क्रियाविधि है ये मानसून को दो भागों में विभाजित करती है, एक दक्षिणी पश्चिमी मानसून, एक उत्तरी पूर्वी मानसून। तो इस रूप में भारत में दो प्रकार के मानसून आते हैं, एक आता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, एक आता है उत्तरी पूर्वी मानसून। तो तापीय सिद्धांत के अनुसार दो प्रकार की क्रियाविधि हमारे सामने निकल करके आती है, उनमें होता है एक दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। इसकी दो शाखाएं हैं, अभी डिटेल से चर्चा करेंगे, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा, एक अरब सागरीय शाखा, तथा दूसरा मानसून है उसको कहा जाता है उत्तरी पूर्वी मानसून। हमारे लिए जो प्रश्न बनेंगे सबसे महत्वपूर्ण, जो मानसून को लेकर के ही प्रश्न बनेंगे सभी एग्जामों में, पुलिस, पटवार, रीट व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न होते हैं वो मानसून जलवायु को लेकर के, मानसून के ऊपर ही सबसे ज़्यादा प्रश्न उठाए जाते हैं। उनमें प्रश्न पूछ लिया जाता है मानसून विच्छेद काल क्या होता है, मानसून का प्रस्फुट काल क्या होता है, लौटता मानसून किसे कहा जाता है, लौटता मानसून किस माह में आता है, उत्तरी पूर्वी मानसून से किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो सबसे ज़्यादा वर्षा कौन से क्षेत्र में करता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून का वृष्टि छाया क्षेत्र कौन सा होता है, इन्हीं को लेकर के सबसे ज़्यादा प्रश्न किए जाते हैं। और इस समय हम मानसून की क्रियाविधि को देख रहे हैं तो हमारे सामने दो मानसूनी शाखाएँ जो बनकर के आती हैं, उनमें एक मानसून का भाग होता है उसको कहा जाता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, तथा एक होता है उत्तरी पूर्वी मानसून। हम देखते हैं इनको वन बाई वन। गत्यात्मक सिद्धांत है हवाओं का चलना है, फ्लोन द्वारा दिया गया। ITCZ है अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ये दो प्रकार का होता है, एक होता है NITCZ, एक होता है SITCZ। NITCZ का तात्पर्य होता है उत्तरी, N का तात्पर्य है उत्तरी। तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र को NITCZ कहा जाता है, दक्षिणी क्षेत्र में SITCZ कहलाता है। SITCZ दक्षिणी अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या होता है अभी चर्चा करेंगे। जेट स्ट्रीम पवने होती हैं और अलिनो व लानिनो का प्रभाव होता है जिसके कारण से भारतीय मानसून की जो क्रियाविधि है प्रभावित होती है। देखिए, हम यहाँ तक देख चुके हैं गत्यात्मक पवनों का चलना है ये प्रभावित करता है। जब भूमध्य रेखीय क्षेत्रों से उत्तर की ओर तथा दक्षिण की ओर स्थिति को देखते हैं तो सबसे नज़दीक हमें एक भूमध्य रेखा के निकट हमें नज़दीकी क्षेत्र में विषुवत रेखीय पवनों की उपस्थिति देखने को मिलती है। विषुवत रेखीय जो पवनें होती हैं वो पश्चिम पवनें होती हैं, तथा ये पवनें पश्चिम से पूर्व की ओर वर्ष भर निरंतर एक ही दिशा में गति करती हैं। जब जब सूर्य का उत्तरायण होना, सूर्य का दक्षिणायन होना, जब सूर्य का उत्तरायण होना होता है तो सूर्य की उपस्थिति कर्क रेखा तक होती है, सूर्य का दक्षिणायन होता है तो दक्षिणायन स्थिति में सूर्य की जो उपस्थिति है वो मकर रेखा तक होती है। जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर होना प्रारंभ करता है, अर्थात भूमध्य रेखा से जब उत्तर की ओर होता है, उस समय सूर्य की किरणों का सीधा जो प्रभाव है वो लंबवत किरणों के रूप में उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा के निकट पड़ता है। तो ऐसी उपस्थिति में सूर्य की किरणों का प्रभाव अधिक होने के कारण जो कर्क रेखा वाला क्षेत्र है वो अधिक ऊष्मा वाला क्षेत्र होता है, वह न्यून वायुदाब का केंद्र स्थापित हो जाता है। ऐसी उपस्थिति जो हवाओं को दक्षिण गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर अग्रसर करती है
यही पवने जो दक्षिण गोलार्ध में चल रही होती हैं, जिनको व्यापारिक पवने कहा जाता है, ये व्यापारिक पवने जब न्यून वायुदाब क्षेत्र की ओर अग्रसर होती हैं तो भूमध्य रेखा को पार करने के बाद में अपने दक्षिणीवर्ती भाग की ओर या अपने दाहिने हाथ की ओर घूम जाती हैं, और यही पवने आगे जाकर के भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करती हैं या भारत की भूमि को छूती हैं, और ये हिंद महासागरीय क्षेत्र से प्रवेश करने के कारण इनमें आर्द्रता होती है और वर्षा करती है। इसको कहा जाता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो इस गत्यात्मक सिद्धांत के अनुसार भारतीय जो उपमहाद्वीप है वो व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आकर के वर्षा प्राप्त करता है। तो आपके एग्जाम के लिए प्रश्न बनता है इस सिद्धांत को लेकर के कि कौन सी पवनों के प्रभाव में आकर के भारतीय मानसून वर्षा करता है, तो पवनें होती हैं वो व्यापारिक पवनें होती हैं, व्यापारिक पवनें होती हैं, इन व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आकर के वर्षा कर पाता है। तो यहाँ हम देखेंगे तापी सिद्धांत के अनुसार हमने देखा था कि जब भूमध्य रेखा के समानांतर लगभग गर्मियाँ वर्ष भर सीधी पड़ती हैं, ज़्यादा सूर्य की किरणें पड़ने के कारण वर्ष भर गर्मी रहती है, जो जो हम उच्च अक्षांशों की ओर जाते हैं तो गर्मी का प्रभाव कम होता है, तो उच्च अक्षांश जो क्षेत्र होते हैं वहाँ हमेशा शीत रहती है तथा उच्च वायुदाब होता है, तथा भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में न्यून वायुदाब होता है, तो सदा उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर पवने अग्रसर होती हैं। लेकिन सूर्य जब कर्क रेखा और मकर रेखा की स्थिति में होता है तो ये उच्च वायुदाब और न्यून वायुदाब बदलता रहता है। इसी परिस्थिति के कारण से भारतीय महाद्वीप की ओर या भारतीय उपमहाद्वीप की ओर जब पवने अग्रसर होती हैं तो इस परिस्थिति में भारतीय मानसून चल करके आगे निकलता है। तो ये दो प्रभाव हैं जिनके कारण से भारतीय मानसून सक्रिय होता है, लेकिन इनका भी प्रभाव होता है, किस रूप में होता है, तो सबसे पहले हम गत्यात्मक सिद्धांत के बारे में जो थोड़ा सा डिटेल है उसको जानने का प्रयास करेंगे, फिर देखेंगे ITCZ, जेट स्ट्रीम और अल नीनो व ला नीनो को। पूर्ण रूप से अगर हम देखें तो ये उपस्थिति पाई जाती है पृथ्वी के ऊपर पवनों की, ये होती है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये उपस्थिति होती है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा, इस दक्षिणी अक्षांश रेखा को कहा जाता है मकर रेखा, यही उपस्थिति होती है उत्तर में 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, इसको कहा जाता है कर्क रेखा, इसके उत्तर में 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसके दक्षिण में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको कहा जाता है अंटार्कटिक व्रत, इसको कहा जाता है आर्कटिक व्रत, ये भी ध्यान दें आर्कटिक व्रत, ये भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, प्रश्न सामान्य तब पूछ लिया जाता है। 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा किस नाम से जानी जाती है, आर्कटिक व्रत के नाम से जानी जाती है। 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा किसके नाम से जानी जाती है, अंटार्कटिक व्रत के नाम से जानी जाती है। तो ये अंटार्कटिक व्रत कहलाता है। जब हम और उच्च अक्षांशों की ओर जाएँ तो अंतिम भाग हमें 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव के रूप में दिखलाई पड़ता है, दक्षिणी ध्रुव कहलाता है, यही उपस्थिति 90 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव कहलाती है। इस समय यहाँ कुछ पवने चलती हैं और उन पवनों की जो स्थिति होती है वो होती है उत्तरी गोलार्ध में कुछ इस प्रकार से, दक्षिणी गोलार्ध में इस प्रकार से। अब इनकी दिशा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यही पॉइंट आपके आगे चलकर पवनों के साथ भी संबंध रखता है, तो इस लॉजिक को आप यही समझें क्या है ये पवने, किस प्रकार से गतिमान होती हैं और इन गतिमान जो पवनों की स्थिति है किस नाम से जानी जाती है। तो इस प्रकार से ये तीन प्रकार की जो हवाएं हैं जो स्थायी रूप से धरातल पर चलती हैं इनको कहा जाता है ध्रुवीय पवने, इन पवनों को कहा जाता है पछुआ पवने,
पछुआ पवन तथा इन पवनों को कहा जाता है व्यापारिक पवन, व्यापारिक पवने कहलाती हैं। तो इस रूप में हमारे मानसून की जो क्रियाविधि है वो किस प्रकार से प्रभावित होती है, भूमध्य रेखा के 5 डिग्री दोनों ओर, 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिण दोनों ही गोलार्धों में यह वर्ष भर सूर्य की सीधी किरणें पड़ने के कारण इस क्षेत्र में हवाएं वर्ष भर पश्चिम से पूर्व की ओर गतिमान रहती हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर गतिमान रहती हैं। इन पवनों को कहा जाता है विषुवत रेखीय पछुआ पवने, विषुवत रेखीय पछुआ पवने। याद रखें विषुवत रेखीय जो पछुआ पवने हैं ये दोनों गोलार्धों में चलती हैं 5-5 डिग्री के मध्य, स्थायी हवाएं हैं। जब सूर्य की किरणें एक समय उत्तरी गोलार्ध में होती हैं या सूर्य जब उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर होता है तथा एक समय होता है जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है, जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है सन की स्थिति कर्क रेखा पर होती है तथा एक समय सूर्य की स्थिति दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर होती है, दोनों ही उपस्थितियों में उच्च वायुदाब का केंद्र व न्यून वायुदाब का केंद्र अलग अलग स्थापित होती है। ये स्थिति जब सूर्य भूमध्य रेखा को पार करके जाता है तो ये पवने दिशा के साथ अपनी स्थिति में बदलाव कर लेती हैं, अर्थात इन पवनों को कहा जाता है व्यापारिक पवने। ये व्यापारिक जो पवने हैं इन व्यापारिक पवनों में मानसून के साथ बदलाव आ जाता है, अर्थात ये पवने आगे जाकर के जो ही विषुवत रेखा को पार करती हैं तो इनकी दिशा है वो कुछ इस प्रकार से हो जाती है, इस प्रकार से बदलाव आ जाता है, इस प्रकार से चलना शुरू करती है। और यही पवने भारत की उपमहाद्वीपीय जो स्थिति है वो इस अवस्था में दिखलाई पड़ती है, ये पवने आगे जाकर के भारत में मानसून प्रारंभ करती है। इंडिया की स्थिति हम देखते हैं तो यहाँ हमें देखने को मिलती है भारत की स्थिति, ये है हमारा भारत। तो इन पवनों के प्रभाव में आकर के भारत में मानसून सक्रिय होता है, इसको कहा जाता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून की जो क्रियाविधि है पवनों के गत्यात्मक प्रभाव के कारण से व्यापारिक पवनों के द्वारा वर्षा प्रारंभ होती है या व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आकर के वर्षा प्रारंभ कर पाता है। तो इस प्रकार से इसको कहा जाता है गत्यात्मक स्थिति के कारण से पवनों का भारत की ओर अग्रसर होना। व्यापारिक पवने जब उत्तरी गोलार्ध में आती हैं तो कोरियोलिसिस बल के प्रभाव से, यहां ध्यान देंगे कोरियोलिसिस बल के प्रभाव में आकर, बल के प्रभाव में अपनी स्थिति को बदल लेती हैं और इनकी जो उपस्थिति होती है वो हो जाती है दक्षिण पूर्व की ओर, अर्थात ये पवने अपने दाहिने हाथ की ओर घूम जाती हैं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जब भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून जब आता है तो ये व्यापारिक पवने किस अवस्था में होती हैं। देखिए इस समय ये जो पवने होती हैं इसको अगर हम समझें तो यहाँ देखें, ये हमने इन व्यापारिक पवनों की स्थिति को देखा, उत्तरी गोलार्ध में इनकी जो उपस्थिति है वो इस प्रकार से दिखलाई पड़ रही है, दक्षिणी गोलार्ध में इनकी जो उपस्थिति है वो इस प्रकार से दिखलाई पड़ रही है। दक्षिणी गोलार्ध में जो व्यापारिक पवने हैं वो चलती हैं दक्षिण पूर्व से, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर तथा ये पवने चलती हैं उत्तर पूर्व से, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। जब सूर्य की उपस्थिति कर्क रेखा पर होती है ग्रीष्म काल होता है, ग्रीष्म काल में ये व्यापारिक पवने जो भूमध्य रेखा को पार करती हैं इस समय इनकी जो उपस्थिति है वो इस रूप में बदल जाती है। भूमध्य रेखा को पार करने के बाद में ये पवने
इस रूप में आगे बढ़ रही थी, लेकिन आगे जाकर के इनकी जो दिशा है वो इस प्रकार से हो जाती है। तो इनकी जो दिशा है वो अपने दाहिने हाथ की ओर घूम जाती है, दक्षिण पूर्व की ओर हो जाती है। यही जो उपस्थिति, इसको कहा जाता है दाहिने हाथ की ओर घूमना, दाहिने हाथ की ओर, या हम कह सकते हैं दाहिनी ओर घूम जाती है। तो इन पवनों के प्रभाव में आकर के भारत में मानसून है वो वर्षा कर पाता है। तो इस प्रकार से व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आकर के कोरियोलिसिस बल के प्रभाव में ये पवने अपनी जिस निश्चित दिशा की ओर चल रही थी, दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर, ये दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व की ओर नहीं चल पाती हैं तथा अपनी दिशा में बदलाव करती हुई इनकी दिशा है वो अलग हो जाती है। ये जो दिशा है ये दक्षिण से लेकर के दक्षिण पश्चिम से लेकर के उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। यही आगे जाकर के भारतीय मानसून के लिए प्रभावी मानी जाती है और इसी मानसून को कहा जाता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो ये भारत के मानसून में प्रभावित करने वाली दो स्थितियाँ थी। आगे वाली स्थिति को हम देखते हैं NITCZ या SITCZ की उपस्थिति में ITCZ को। चलते हैं हम हमारे अगले पॉइंट की ओर, ITCZ अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। तात्पर्य क्या है? इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। क्या होता है अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र? जब हमने देखा था कि जब संपूर्ण पृथ्वी है उस पृथ्वी के ऊपर गर्मी का जो प्रभाव है, हमने दो अवस्थाओं में देखा था। एक देखा था 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको विषुवत रेखा कहते हैं, सूर्य की उपस्थिति। एक देखा था हमने कर्क रेखा, इसको 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहते हैं या हम कर्क रेखा कहते हैं। इसके दक्षिण से गुजरने वाली जो उपस्थिति है मकर रेखा की है, इसको 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा भी कहते हैं, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। सूर्य की अंतिम जो उपस्थिति है वो इन्हीं के बीच में पाई जाती है। कब कब होती है अपने एग्जाम में यहाँ भी प्रश्न होता है कि कौन सी उपस्थिति में सूर्य की किरणें किस अवस्था के साथ पाई जाती हैं। हमने भारत की जानकारी के संदर्भ में भी जब देखा था उस समय ये सारी जानकारियाँ हमने प्राप्त की थी, लेकिन एक बार फिर से देखें जो वर्तमान में इस पोजिशन के साथ कि हमारा मानसून किस क्रियाविधि के साथ कार्य करता है, वहाँ तक की स्थिति को एक बार पुनः समझें। यहाँ जब सूर्य की उपस्थिति होती है तो हम मानते हैं सूर्य 22 दिसंबर के दिन मकर रेखा पर सीधा चमकता है। 22 दिसंबर के दिन सीधा चमकता है। 22 दिसंबर के बाद में जब ये उत्तर की ओर बढ़ना प्रारंभ करता है, जनवरी का माह होता है, फिर जनवरी के बाद में फरवरी माह होता है जब सूर्य की उपस्थिति यहाँ तक होती है, फिर मार्च का माह होता है जब सूर्य 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा पर पहुंच जाता है। तो जब सूर्य की उपस्थिति 0 डिग्री पर होती है वो एक समय होता है मार्च माह, और इस मार्च माह में 21 मार्च है। इस 21 मार्च को सूर्य की सीधी किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी होती हैं। मार्च के बाद में जब सूर्य और उत्तरायण की ओर जाता है, अप्रैल माह में स्थिति यहाँ होती है, मई माह में सूर्य की किरणों की स्थिति यहाँ होती है तथा जून माह में सूर्य की किरणों की उपस्थिति यहाँ होती है। जब सूर्य जून माह में सीधा चमकता है तो जून माह में कर्क रेखा पर सीधा चमकता है और वो स्थिति होती है 21 जून। 21 जून के दिन सूर्य की जो उपस्थिति होती है वो कर्क रेखा पर होती है। 21 मार्च के दिन सूर्य भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है तथा 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। लेकिन अभी और देखेंगे, एक स्थिति और बनेगी जब सूर्य भूमध्य रेखा की ओर वापस बढ़ना प्रारंभ करता है, तो ये होता है जून के बाद में जुलाई माह है, जुलाई के बाद में वापस जाता है अगस्त माह है, फिर वापस जाता है सितंबर माह है।
एक स्थिति होती है जब सितंबर माह भी सूर्य की किरणें सीधी विषुवत रेखा के ऊपर होती हैं। ये होता है सितंबर माह है और तारीख होती है 23 सितंबर। 23 सितंबर के दिन सूर्य की किरणें, अब यहाँ आपको दोनों तथ्य पूछे जा सकते हैं, विषुवत रेखा पर सूर्य की सीधी किरणों का प्रभाव हमें किस माह में देखने को मिलता है, कितनी तारीख के साथ देखने को मिलता है। तो एक माह होता है मार्च माह है और एक होता है सितंबर माह है। 21 मार्च व 23 सितंबर के दिन सूर्य की सीधी किरणें विषुवत रेखा पर होती हैं। इसको कहा जाता है वर्ष पर पड़ने वाली सूर्य की सीधी किरणों की स्थिति, अर्थात विषुवत रेखा पर सूर्य हमेशा समान अवस्था में चमकता है। इस समय दिन व रात की अवधि बराबर बराबर होती है, दोनों ही गोलार्धों में दिन व रात की अवधि भी बराबर बराबर होती है। किस उपस्थिति तक होती है? 23.5 डिग्री कर्क रेखा तथा 23.5 डिग्री मकर रेखा तक की होती है। जब सूर्य दक्षिण की ओर गमन करता है तो दक्षिण की ओर स्थिति को भी देखें। इस प्रकार से जब ये वापस जाएगा आगे, जब सितंबर माह से अक्टूबर माह में जाएगा तो ये उपस्थिति यहाँ तक रहेगी। अगस्त के बाद सितंबर माह के बाद में जाएगा तो सितंबर अक्टूबर फिर नवंबर और अंतिम रूप से दिसंबर में 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें वापस कहाँ होंगी? मकर रेखा पर होंगी 22 दिसंबर के दिन। इस समय भारत के संदर्भ में भारत की जो जलवायु है उसको लेकर के जो प्रश्न बनेंगे किस प्रकार के बनेंगे, यहाँ देखिए स्थिति को पूछा जाता है दिन व रात की अवधि के साथ, दिन व रात की अवधि को प्रश्न दिया जाता है, इनको बेस बना करके क्वेश्चन पूछा जाता है। मानसून को बेस बना करके प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इसके अतिरिक्त हम पढ़ते हैं मानसून, लेकिन मानसून के अतिरिक्त भी प्रश्न आ जाते हैं, हम मानते हैं आउट ऑफ सिलेबस है, नहीं, ये मानसून की क्रियाविधि के साथ जुड़े हुए तथ्य हैं और इनको लेकर के प्रश्न किया जाता है। यहाँ देखिए एग्जाम को लेकर के जो प्रश्न किया जाता है वो दिन रात की अवधि के साथ किया जाता है। सामान्यतः हम मानते हैं कि हमारे मानसून के साथ इस प्रकार का कोई संबंध नहीं है। यहाँ देखिए मानसून के साथ संबंध इस प्रकार से है, सूर्य की किरणों की उपस्थिति के साथ मानसून की जो आगमन की स्थिति है वो पाई जाती है। तो जब हमने देखा भूमध्य रेखा पर सूर्य की जो किरणें होती हैं वो सीधी पड़ती हैं, तो इस समय शेष क्षेत्र में उच्च वायुदाब होता है तथा न्यून वायुदाब भूमध्य रेखा के क्षेत्र में होता है। जब सूर्य धीरे धीरे उत्तरायण होता है, उत्तरायण अवस्था में जब मार्च के महीने से आगे जब चलता है अप्रैल मई और जून महीने में, जब जून महीने की उपस्थिति आती है तो जून महीने में सूर्य की किरणें या सूर्य की उपस्थिति 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर पहुंच जाती है। इस समय जब सूर्य की गर्मी का प्रभाव कर्क रेखा पर होता है उस समय मकर रेखा पर इसकी गर्मी का प्रभाव घट जाता है। तो जब जब सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में होती हैं सीधी तथा दक्षिणी गोलार्ध में सीधी होती हैं, उस समय उच्च वायुदाब का केंद्र व न्यून वायुदाब का केंद्र होता है वो भी बदल जाता है, तथा जहाँ सूर्य की किरणें सीधी होती हैं वहाँ पर ऊष्मा अधिक पड़ती है और जहाँ सूर्य की किरणें तिरछी होती हैं वहाँ ऊष्मा का प्रभाव कम होता है। तो इस धरातल पर इस ग्लोबीय स्थिति में कुछ वायुदाब की पेटियाँ पाई जाती हैं, इन वायुदाब की पेटियों में कुछ खिसकाव हो जाता है और यही खिसकाव होता है वायुदाब की पेटियों का जो 5-5 डिग्री तक होता है। 5 डिग्री वर्तमान पोजिशन से उत्तर की ओर चली जाती हैं जब सूर्य कर्क रेखा पर होता है। जब वर्तमान पोजिशन में सूर्य कर्क रेखा पर 21 जून को है तो ये वायुदाब की पेटियाँ जो मकर रेखा के नज़दीक थी ये 5 डिग्री मकर रेखा से उत्तर की ओर हो जाती, अर्थात भूमध्य रेखा से उत्तर में नहीं आती, मकर रेखा से 5 डिग्री उत्तर की ओर हो जाती हैं। जब सूर्य मकर रेखा पर होता है तो यही 5 डिग्री मकर रेखा से जो उत्तर थी वो मकर रेखा से 5 डिग्री नीचे चली जाती हैं। यही उपस्थिति उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा के साथ होती है, कर्क रेखा से 5 डिग्री उत्तर में ग्रीष्म काल में तथा शीतकाल में कर्क रेखा से 5 डिग्री दक्षिण की ओर आ जाती हैं। यहाँ तक इसका विचलन हो जाता है और ये विचलन होता है ये 10 डिग्री के मध्य होता है, 5 डिग्री उत्तर में और 5 डिग्री दक्षिण में, किसके? कर्क रेखा व मकर रेखा के 5-5 डिग्री का अंतराल होता है। 5 डिग्री तथा 5 डिग्री मिलकर के 10 डिग्री का विचलन होता है। इसको कहा जाता है वायुदाब की पेटियों का खिसकना, वायुदाब की पेटियों का खिसकना। अब वायुदाब की पेटियां जब खिसक जाती हैं तो ये उच्च वायुदाब और न्यून वायुदाब का जो क्षेत्र है वो भी खिसक जाता है। इस समय जो उपस्थिति होती है सूर्य की 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा होता है तो इस समय भारत की जो उपस्थिति है वो यहाँ होने के कारण इसमें उच्च वायुदाब और न्यून वायुदाब का केंद्र कहाँ स्थापित होगा? ध्यान दें, इस क्षेत्र में होगा न्यून वायुदाब का केंद्र। जब सूर्य की गर्मी सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती हैं इस समय
पश्चिमी जो मरुस्थल है, पश्चिमी मरुस्थल, इस क्षेत्र में न्यून वायु दाब का केंद्र स्थापित हो जाएगा। पश्चिमी मरुस्थल को हम कह सकते हैं थार मरुस्थल में, थार मरुस्थल में इसका न्यून वायु दाब का केंद्र स्थापित हो जाएगा। थार मरुस्थल है वो न्यून वायु दाब में बदल जाएगा, न्यून वायु दाब केंद्र होगा, तथा उच्च वायु दाब वाला क्षेत्र है वो हिंद महासागरीय क्षेत्र होगा, ये होगा हाई प्रेशर। मैं यहां लिख देता हूं HP, हाई प्रेशर के रूप में होगा, इसको कहा जाता है उच्च वायु दाब, उच्च वायु दाब का केंद्र होगा। तो हवाएं सदा उच्च वायु दाब से न्यून वायु दाब की ओर अग्रसर होती हैं। अगला ही प्रश्न आता है हमारा, उच्च वायु दाब से न्यून वायु दाब की ओर पवने चलती हैं। यह सर्वविदित तथ्य है कि पवने सदा उच्च वायु दाब से न्यून वायुदाब की ओर चलती हैं। पवने सदा उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर अग्रसर होती हैं। इस समय हिंद महासागरीय उच्च वायुदाब विषुवत रेखीय क्षेत्र के बिल्कुल करीब बनता है। यही उच्च वायुदाब की जो क्षेत्रीय स्थिति है न्यून वायुदाब की ओर पवनों को अग्रसर करती है। तो इस समय जो चलने वाली जो स्थिति होती है पवनों की, वो कुछ इस प्रकार से चलती है और यही मानसून है, ये भारत में वर्षा करता हुआ आगे बढ़ता है, इसको कहा जाता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तो इस प्रकार से जब ITCZ की स्थिति होती है तो शीतकाल में ITCZ है वो भूमध्य रेखा की ओर सरक जाता है, तथा ग्रीष्म काल में ITCZ है वो उत्तर व पश्चिम की ओर सरक जाता है, तथा यही स्थिति है जो भारतीय मानसून को अग्रसर करती है या भारतीय मानसून को सक्रिय करती है। तो ये स्थिति दो प्रश्न बनाकर के सामने रखती है। यहाँ देखिए, इस उपस्थिति में ITCZ ये भारतीय उपमहाद्वीप में इस कर्क रेखा के निकट आ जाता है और ये उपस्थिति होती है, ये होती है 20 डिग्री से 35 डिग्री के मध्य। ये समय तो होता है शीतकाल का, शीतकाल में ये स्थिति वायुदाब की 20 डिग्री से 35 डिग्री के मध्य होती है, तथा यही स्थिति ग्रीष्म काल में होती है 35 डिग्री से 45 डिग्री के मध्य। इस समय होता है ग्रीष्मकाल या ग्रीष्म ऋतु होती है। तो इस समय जब ये विचलन हो रहा है, ये विचलन ही हवाओं को आगे तक बुलाने का कार्य करता है। एक समय वायुदाब, उच्च वायुदाब का क्षेत्र यहाँ होता है, एक समय न्यून वायुदाब का क्षेत्र यहाँ होता है तो हवाएं यहाँ जाएंगी, एक समय न्यून वायुदाब क्षेत्र यहाँ होगा, उच्च वायुदाब क्षेत्र यहाँ होगा तो हवाएं इधर जाएंगी। तो इस प्रकार से हवाओं का विपरीत दिशाओं की ओर चलना मानसून का कारण बनता है और यही मानसून भारत में वर्षा कर पाता है। एक समय उच्च वायुदाब का केंद्र, एक समय न्यून वायुदाब का केंद्र। आगे चल करके हम भारत के मानसून के संदर्भ में ये भी देखेंगे, जब ITCZ उत्पन्न होता है तो ये स्थिति तो हमें अक्षांशों के साथ मिलती है, लेकिन क्षेत्र विशेष को पूछ लिया जाता है। ये मरुस्थलीय क्षेत्र है, इस मरुस्थलीय क्षेत्र में न्यून वायुदाब का केंद्र स्थापित होता है, तो ये न्यून वायुदाब का केंद्र पर्टिकुलर स्थान कौन सा है जहां पर विकसित होता है, तो पाकिस्तान का पेशावर क्षेत्र। पाकिस्तान में पेशावर के निकट, पाकिस्तान में पेशावर के निकट, पेशावर व मुल्तान जो क्षेत्र है उसके पास में बनता है, पाकिस्तान में पेशावर व मुल्तान, इसके निकट न्यून वायुदाब का केंद्र स्थापित होता है और यही हिंद महासागरीय जो उच्च वायुदाब का केंद्र है जिसमें आर्द्रता होती है, ये आर्द्रता युक्त पवनें जब यहाँ पहुँचना चाहती हैं तो रास्ते में पड़ने वाले भू क्षेत्र पर होकर गुजरती हैं, तो अपनी आर्द्रता को खोती हुई आगे बढ़ती हैं या वर्षा करती हुई आगे चलती हैं और ये वर्षा ही भारतीय मानसून कहलाता है। अब आगे हम देखें तो यहाँ अपने लिए एक प्रश्न आता है जो मानसून के साथ दिन व रात की अवधि को लेकर, तो प्यारे साथियों यहाँ आप ध्यान देंगे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जब जब सूर्य की सीधी किरणें होती हैं, एक गोलार्ध में सूर्य की किरणों का सीधा होना दिन की अवधि को लंबा करता है, तथा एक
दूसरे अक्षांश रेखा पर सूर्य की किरणों का सीधा होना उस स्थिति में दिन की अवधि को लंबी करता है, तो विपरीत संबंध होता है रात के साथ। तो इस स्थिति में अगर पूछ लिया जाए 22 दिसंबर के दिन उत्तरी गोलार्ध यानी कर्क रेखा पर दिन व रात की अवधि क्या होती है, तो यहाँ ध्यान दें जब उत्तरी गोलार्ध की बात पूछी है कर्क रेखा पर, तो कर्क रेखा पर स्थिति हम देखेंगे 22 दिसंबर की। तो 22 दिसंबर को कर्क रेखा पर क्या पोजीशन बनेगी, जब सूर्य सीधा यहाँ होगा तो हमारे यहाँ होगी शीत ऋतु और एक समय होती है ग्रीष्म ऋतु। तो 22 दिसंबर के दिन कर्क रेखा पर दिन व रात की अवधि में क्या अंतर होगा, तो दिन व रात की अवधि में अंतर होगा दिन छोटे व रातें लंबी होंगी। और यही उपस्थिति हमें अगर कर्क रेखा पर 21 जून को पूछ ली जाए तो 21 जून के दिन ये परिस्थिति क्या बन जाएगी, विपरीत दिशा में स्थिति बनेगी, दिन बड़े होंगे व रातें छोटी होंगी। अब जब हमारे सामने स्थिति निकल कर क्या आ रही है, दिन छोटे व रात बड़ी, तो जब दिन छोटा होता है कम समय का होता है तो सूर्य की किरणों का प्रभाव कम घंटों के लिए होता है, तथा रात लंबी होती है तो रात की अवधि ज़्यादा बड़ी होने के कारण दिन के समय लिया गई जो ऊष्मा है वो ली गई ऊष्मा रात के कुछ समय में ही उत्सर्जित कर दी जाती है, तो शेष रात्रि के समय ठंडक बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। तो इस स्थिति में ऋतु कौन सी बनेगी, तो ये स्थिति भी अपने सामने आ जाती है और प्रश्न पूछ लिया जाता है हमारे उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर यह स्थिति शीत ऋतु होती है तथा ये उपस्थिति होती है ये ग्रीष्म ऋतु की होती है। तो ग्रीष्म ऋतु में दिन रात की अवधि व शीत ऋतु में रात दिन की अवधि है वो किस प्रकार से पाई जाती है, जब इस स्थिति में 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर होती हैं तो कर्क रेखा पर दिन छोटे होते हैं व रातें लंबी होती हैं, जब 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें जब कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं इस समय दिन बड़े होते हैं रातें छोटी होती हैं, तो ग्रीष्म काल बनता है। और ग्रीष्म काल व शीतकाल में परिवर्तन होने के कारण जब ग्रीष्म काल की उपस्थिति आती है तो इस क्षेत्र में न्यून वायुदाब होता है, तो हवाएं उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर चलती हैं, इसको कहा जाता है ग्रीष्मकालीन मानसून, और यही ग्रीष्मकालीन मानसून कहलाता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। तथा शीतकाल होता है जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर होती हैं, जब हमारे कर्क रेखा वाले क्षेत्र में शीत ऋतु बनती है उस समय हवाओं की दिशा विपरीत होती है, इसको कहा जाता है उत्तरी पूर्वी मानसून। आगे हम इसकी क्रियाविधि को भी देखेंगे, उत्तरी पूर्वी मानसून की हवाएं कैसे चलती हैं तथा दक्षिणी पश्चिमी मानसून की हवाएं किस दिशा में चलती हैं। अब यहां आपसे एक प्रश्न है जिसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर डाल करके बताएंगे, जब सूर्य की उपस्थिति भूमध्य रेखा के ऊपर सीधी होती है, अर्थात दो अवस्थाएं ऐसी होती हैं, एक होता है मार्च का महीना, एक होता है सितंबर का महीना, मार्च और सितंबर में सूर्य जो भूमध्य रेखा को पार करता है, इस उपस्थिति को या सूर्य भूमध्य रेखा को पार करने की जो अवस्था होती है किस नाम से जानी जाती है, ये आप कमेंट बॉक्स में डाल करके बतलाएंगे। और इसी प्रकार के प्रश्न आपके आने वाले एग्जामों में महत्वपूर्ण रूप से इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के रूप में बनते हैं, तो आप ध्यान देंगे यहाँ मानसून की क्रियाविधि के साथ दिन व रात की अवधि। साथ ही ITCZ इस अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का कभी उत्तर की ओर चले जाना कभी दक्षिण की ओर आ जाना, जो हमें ये बताता है कि शीत ऋतु होती है तो ये अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जब मकर रेखा पर सूर्य होता है तो नीचे की ओर आ जाता है, यानी कर्क रेखा के निकट तक आ जाता है, कर्क रेखा के बिल्कुल पास तक आ जाता है। जब ग्रीष्म काल बनता है तो ये कर्क रेखा को छोड़ करके 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच चला जाता है, यानी भारत के उत्तरवर्ती भाग के निकट से होकर गुजरता है, इधर से गुजरता है, और ये क्षेत्र होता है हिमालय क्षेत्र। तो इसको इस रूप में दिया जा सकता है, अभी जो विगत हमारी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हुई है उसमें प्रश्न पूछा गया था, जब स्थिति शीतकाल की होती है तो अंतरा उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र गुजरता है, तो हिमालय के दक्षिणी भाग से होकर के गुजरेगा,
जब ग्रीष्म ऋतु होगी तो हिमालय के उत्तरी भाग से होकर गुजरेगा, क्योंकि हमारे भारत की स्थिति में हमने अक्षांश और देशांतरों की स्थिति देखी थी, तो उत्तरी जो अक्षांश है वो हमारा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है और इसका विस्तार 35 डिग्री से 45 डिग्री के बीच अर्थात हिमालय के उत्तर से होकर गुजरता है। तो शीतकाल के समय अंतराउष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कर्क रेखा के निकट या कह सकते हैं हिमालय के दक्षिणी भाग शिवालिक के दक्षिणी क्षेत्र से होकर गुजरता है, वहीं ग्रीष्म काल में ये हिमालय के उत्तर से होकर के गुजरता है। आगे की स्थिति को देखें हम जेट स्ट्रीम की अवस्था को, चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 जेट स्ट्रीम। ये जेट स्ट्रीम क्या है? जेट स्ट्रीम एक पवने है, जेट स्ट्रीम पवने हैं। इन जेट स्ट्रीम पवनों की जो उपस्थिति है ये धरातल से, अगर हम धरातल को देखें तो धरातल की कुछ उपस्थिति इस प्रकार से दिखलाई पड़ती है। तो इस प्रकार से हम ऊपर की ओर चलते हैं तो जेट स्ट्रीम पवने इस प्रकार से गतिमान हैं। इनको कहा जाता है जेट पवने। अब यहाँ हम देखेंगे इन पवनों की ऊंचाई है वो धरातल से अधिक ऊंचाई पर पाई जाती है, और अधिक ऊंचाई पर अगर हम देखें तो धरातल से इनकी ऊंचाई है वो 9 किलोमीटर से लेकर 13 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। 9 किलोमीटर से 13 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर चलने वाली एक तीव्रगामी पवने हैं। इनकी जो स्पीड होती है वो होती है 300 किलोमीटर से 400 किलोमीटर पर आवर, प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली पवने हैं। इन पवनों के प्रभाव में आकर के भारतीय जो मानसूनी हवाएं हैं ये भारत की ओर अग्रसर होती हैं। जब हमने देखा था अभी ITCZ, जब सूर्य की किरणों का प्रभाव कर्क रेखा के ऊपर होता है तो अंतराउष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र उत्तर की ओर चला जाता है, तथा शीतकाल में जब सूर्य की उपस्थिति मकर रेखा पर होती है तो अंतराउष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कर्क रेखा के निकट आ जाता है। तो इन पवनों के प्रभाव में आकर के पवने भारतीय भूमि की ओर अग्रसर होती हैं, और यही कारण है कि भारतीय भूमि पर चलने वाली ये जो अंतराउष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र के पास जेट स्ट्रीम जो पवने हैं ये भारतीय मानसून की हवाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। किस प्रकार से करते हैं? ध्यान दें, ये क्षोभ मंडल की ऊंचाई पर चलती हैं, क्षोभ मंडल की ऊंचाई पर चलती हैं। लेकिन यहां ध्यान देंगे 9 किलोमीटर से लेकर के 13 किलोमीटर तक इनकी ऊंचाई है। अगर हमें प्रश्न के रूप में पूछा जाए तो आपको याद रखना है, आपको आंसर इसका विकल्प के आधार पर निकालना है, क्योंकि उपस्थिति हमने 9 से 13 किलोमीटर के बीच देखी है, लेकिन हमने धरातल की उपस्थिति को वायुमंडल के साथ कुछ इस प्रकार से जाना है। अगर इससे पहले आपको पूर्ववत ज्ञान वायुमंडल के बारे में हो तो आप इसके बारे में देख पाएंगे। धरातलीय स्थिति उबड़ खाबड़ है, और इस रूप में हम देख पाते हैं क्षोभ मंडल की स्थिति को। दोरों के ऊपर क्षोभ मंडल है वो 8 किलोमीटर ही ऊंचा है, तथा विषुवत रेखा पर ये 18 किलोमीटर ऊंचा है, 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। दोनों ध्रुवों के ऊपर इसकी ऊंचाई है वो 8 किलोमीटर, ऊंचाई या मोटाई क्षोभ मंडल की ऊंचाई या मोटाई ध्रुवों के ऊपर 8 किलोमीटर है, ये उपस्थिति है ध्रुवों की, तथा ये है विषुवत रेखा की। हम बात कर रहे हैं कर्क रेखा की ओर, तो जब हम बात करते हैं कर्क रेखा की ओर, जब इसकी ऊंचाई 9 किलोमीटर से लेकर के 13 किलोमीटर के बीच है, तो हमें ये पवने कुछ इस प्रकार से गतिमान होती हुई दिखाई देती हैं, इस क्षेत्र से चलती हुई दिखाई पड़ती हैं। इन पवनों को कहा जाता है जेट पवने। इस प्रकार से दिखाई पड़ती हैं, लेकिन अगर ये 8 किलोमीटर को पार कर रही हैं तो 8 किलोमीटर के बाद एक परत आ जाती है, इस परत को कहा जाता है क्षोभ सीमा परत, क्षोभ सीमा
परत के नाम से जाना जाता है। अगर आपके ऑप्शन में दिया हुआ हो क्षोभ मंडल को हटा करके जेट स्ट्रीम पवनी चलती है और विकल्प आपका हो क्षोभ सीमा परत, तो आपको आंसर देना है क्षोभ सीमा परत। अगर विकल्प में क्षोभ सीमा नहीं हो और विकल्प में क्षोभ मंडल हो तो आपको आंसर देना है क्षोभ मंडल। तो इस प्रकार से इस पर बनने वाले प्रश्न होंगे। ऊंचाई महत्वपूर्ण है, 9 से लेकर के 13 किलोमीटर के बीच चलने वाली इन तीव्रगामी पवनों को जेट स्ट्रीम पवने कहा जाता है। जेट स्ट्रीम पवने हैं, इनकी दिशा भी पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। हम भारतीय मानसून के संदर्भ में चर्चा कर रहे हैं, इनकी उपस्थिति है, एक समय विपरीत भी होती है, लेकिन भारतीय मानसून को जो अग्रसर करने वाली पवने हैं ये पश्चिम से पूर्व की ओर चलने वाली जेट स्ट्रीम पवने होती हैं जो भारतीय मानसून को अग्रसर करती हैं। ग्रीष्म काल में चलने वाली ये तीव्रगामी पवने हैं जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई पर या क्षोभ मंडल की अंतिम सीमा पर चलने वाली तेज पवने हैं। इनके आधार पर भारतीय जो मानसूनी पवने हैं ये भारत की ओर अग्रसर होती हैं, तेजी से भारतीय क्षेत्र की ओर प्रवेश करती हैं। आगे चलते हैं हम अलनीनो और लानिनो के बारे में। नेक्स्ट स्थिति है हमारी पांचवा पॉइंट, अलनीनो व लानिनो। ये भी भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। किस रूप में प्रभावित करता है, सबसे पहले तो ये जाने अलनीनो क्या है, लानिनो क्या है। ये एक मौसमी परिघटना है। सामान्यतः गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा के रूप में इनकी उत्पत्ति होती है। इसको कहा जाता है मौसमी परिघटना, अचानक उत्पन्न होने वाली एक परिघटना है। मौसमी परिघटना है अलनीनो व लानिनो, मौसमी परिघटना है। अलनीनो की जो उपस्थिति है ये एक गर्म जलधारा के रूप में होती है, गर्म जलधारा है। लानिनो एक ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधारा है। गर्म जलधारा की जो उपस्थिति है और ठंडी जलधारा की उपस्थिति है ये बनती है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर बनती है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर बनती है, लेकिन देश है वो है पेरू देश। इस पेरू देश के निकट दिसंबर माह में, पेरू देश के निकट दिसंबर माह में उत्पन्न होने वाली एक गर्म जलधारा है। इस गर्म जलधारा के कारण जो हिंद महासागरीय क्षेत्र में उच्च वायुदाबीय स्थिति बनती है, उस उच्च वायुदाबीय स्थिति के कारण जो हवाएं भारत की ओर अग्रसर होती हैं ये अब दो दिशाओं में चली जाती हैं। एक न्यून वायुदाब का केंद्र गर्म जलधारा के कारण से अमेरिका के तट पर बनता है, यही भारतीय मानसूनी हवाएं भारत की ओर आना चाहती हैं, भारत के पेशावर क्षेत्र की ओर अग्रसर होती हैं, तथा एक शाखा इसकी पेरू तट की ओर चली जाती है। इस पेरू देश के पास पेरू तट के निकट बनती है, पेरू तट के निकट बनती है, और इस पेरू तट की ओर जब अग्रसर होती है तो भारतीय मानसून है वो विलंब से आता है, धीरे धीरे आता है। मानसून विलंब करता है, मानसून विलंब करता है, इसे कहा जाता है भारतीय मानसून का अभिशाप। इस गर्म जलधारा को भारतीय मानसून का अभिशाप कहा जाता है। भारतीय मानसून का अभिशाप कहलाती है, भारतीय मानसून का अभिशाप अल नीनो को कहा जाता है। अल का अर्थ होता है बिना, तो भारत में बिना वर्षा का अवस्था या बिना मानसून की जो अवस्था है या कम वर्षा की जो अवस्था है वो अल नीनो की गर्म जलधारा के कारण भारत में मानसून की निष्क्रियता हो जाती है। भारतीय मानसून देरी से चलता है, धीमे चलता है, इसलिए इस पोजीशन में लगभग भारत में अकाल की अवस्था बनती है। ये अवस्था है ये लगभग बनती है 4 से 5 वर्ष में एक बार, 4 वर्ष से 5 वर्ष में एक बार बनती है, 4 से 5 वर्ष में एक बार उत्पन्न होती है। इसलिए भारतीय मानसून है
वो 4 से 5 वर्ष बाद एक बार कमज़ोर पड़ता है और इसको कहा जाता है अकाल की स्थिति, अर्ध अकाल या पूर्ण अकाल, अर्ध अकाल या पूर्ण अकाल। इस अर्ध अकाल या पूर्ण अकाल की स्थिति को ही भारतीय मानसून का अभिशाप या श्राप कहा जाता है, श्राप या अभिशाप के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से अलनिनो की जो जलधारा कभी कभी उत्पन्न होती है, 4 से 5 वर्ष में एक बार उत्पन्न होती है, पेरू तट के पास उत्पन्न होती है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिमी तट पर उत्पन्न होती है, भारतीय मानसून को धीरे धीरे अग्रसर होने के लिए उत्तरदायी होती है और भारतीय मानसून है वो देरी से आता है, क्योंकि भारतीय मानसून के संदर्भ में हम जानते हैं कि 1 जून को भारतीय मानसून सामान्य क्रियाविधि में केरल तट को छू जाता है, लेकिन जब अलनिनो की उत्पत्ति हो जाती है तो इस स्थिति में 10 से 15 दिन विलंब करता है, तो भारतीय मानसून 1 जून की बजाय लगभग 7 से 10 जून के लगभग केरल तट पर पहुंचता है। भारत में जब ये संपूर्ण भारत में प्रवेश करता है तब तक जून कंप्लीट हो चुका होता है या जून महीना है वो पूर्ण हो चुका होता है, तो भारतीय मानसून विलंब से आता है, कम वर्षा करता है तथा जल्दी ही लौट जाता है, इसलिए भारतीय जो कृषि है वो प्रभावित होती है, इसलिए भारतीय मानसून का इसको श्राप या भारतीय मानसून का अभिशाप कहा जाता है। जब स्थिति ठंडी जलधारा के रूप में उत्पन्न होती है या लानिनो जलधारा के रूप में उत्पन्न होती है, इस समय भारतीय महाद्वीप की ओर या भारतीय उपमहाद्वीप की ओर हम बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप की ओर उस समय एक ही न्यून वायुदाब का केंद्र होता है तथा उच्च वायुदाब के केंद्र एक पेरू तट के पास बनता है तथा एक हिंद महासागरीय क्षेत्र में बनता है, तो भारतीय मानसूनी जो क्षेत्र है वो तेजी से सक्रिय होता है, तो इस गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा के परिणाम स्वरूप भारतीय मानसून में परिवर्तन आता है और परिवर्तन इस ठंडी जलधारा के कारण भारतीय जो मानसून है, भारतीय मानसून ये सक्रिय होता है और सक्रिय होने के कारण इसको कहा जाता है मानसून का वरदान, मानसून का वरदान कहलाता है। तो भारतीय मानसून का वरदान किसे कहा जाता है? लानिनो को कहा जाता है। भारतीय मानसून का अभिशाप किसे कहा जाता है? अलनिनो को कहा जाता है। अलनिनो व लानिनो क्या है? एक मौसमी परिघटना है। अलनिनो किस प्रकार की जलधारा का नाम है? गर्म जलधारा का नाम है। लानिनो किस प्रकार की जलधारा है? ठंडी जलधारा है। इस ठंडी जलधारा के प्रभाव के कारण भारत में मानसून सक्रिय होता है, इसलिए भारतीय मानसून का वरदान कहलाता है। जब जब भारतीय मानसून अधिक सक्रिय होता है तो इस समय वर्षा अधिक करता है और वर्षा अधिक होने के कारण कृषि फसलें अच्छी होती हैं, वर्षा अधिक होती है और वर्षा अधिक होती है तो कृषि फसलें अच्छी होती हैं, इसलिए इसको भारतीय मानसून का वरदान कहा जाता है। एक स्थिति में इसको थोड़ा सा हम मानचित्र के माध्यम से भी समझेंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट लें या नोट डाउन करें। अब देखिए इसको अलनिनो और लानिनो की स्थिति को, ये पड़ता है उत्तरी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका, ये पड़ता है यूरोप, ये पड़ता है एशिया, ये पड़ता है अफ्रीका और ये है हमारा भारत। अब इस समय इस क्षेत्र से बहने वाली एक जलधारा है, ये देश पड़ता है पेरू। इस पेरू देश के निकट बहने वाली जो जलधारा है, अगर इसको हम जलधारा के रूप में ही देखें तो इस प्रकार से गतिमान होती है गर्म जलधारा, और गर्म जलधारा अगर प्रवाहित होती है तो वातावरण में उस समय ऊष्मा होती है और ऊष्मा होती है तो न्यून वायुदाब का केंद्र स्थापित होता है, क्योंकि गर्म हवा हल्की होकर के ऊपर उड़ती है, आसपास के वातावरण में ऊष्मा पैदा करती है, तो इस समय यहाँ न्यून वायुदाब का केंद्र स्थापित हो जाता है, न्यून वायुदाब का केंद्र स्थापित होता है। इस समय जो जलधारा उत्पन्न होती है इसको कहा जाता है अलनिनो। इसी समय एक उच्च वायुदाबी जो केंद्र है वो उत्पन्न होता है, हाई प्रेशर, वो होता है हिंद महासागर में।
हिंद महासागरीय क्षेत्र में न्यून वायदाब का जो केंद्र स्थापित होता है वो स्थापित होता है पश्चिमी थार का मरुस्थल, और मरुस्थल का नाम है थार मरुस्थल। तो इस थार मरुस्थल में न्यून वायदाब का केंद्र स्थापित है। एक तरफ न्यून वायदाब का जो केंद्र है वो पेरू तट के निकट स्थापित होता है। तो इधर से जो चलने वाली हवाएं हैं, जो एक तरफ तो इधर चली जाती हैं, जो यहाँ आकर्षित होती हैं इस दिशा की ओर आ जाती हैं, तथा एक हवाओं का जो क्षेत्र है वो ये दिशा रखता है। तो इस प्रकार से चलने वाली जो हवाएं हैं वो दो दिशाओं में बढ़ जाती हैं, और भारतीय मानसून है वो विलंब से चलता है। यानी इस प्रकार से अगर इसको आगे देखें तो यहाँ घूम करके वो इस प्रकार से इस पेरू तट के पास में आना चाहती हैं। तो इसकी दो दिशाओं का विभाजन होने के कारण भारत में आने वाली जो मौसमी हवाएं हैं जिनको हम मानसून कहते हैं, ये मानसून केरल तट पर पहुँचते पहुँचते विलंब कर देता है, और विलंब की जो उपस्थिति होती है वो लगभग 10 दिन तक होती है, 7 से 10 दिन विलंब कर देता है, 10 दिन विलंब कर देता है। तो 7 से 10 दिन विलंब करता है, इसलिए इस समय जो उपस्थिति है वो मानसून की निष्क्रियता होती है, मानसून की निष्क्रिय स्थिति होती है, मानसून की निष्क्रिय स्थिति होती है। इस मानसून की जो निष्क्रिय स्थिति है, इस समय ये स्थिति बनती है अलनिनो के कारण। जब इसी स्थान पर लानिनो का प्रभाव बन जाता है, लानिनो जलधारा उत्पन्न हो जाती है, लानिनो जलधारा उत्पन्न हो जाती है। इस समय भारतीय मानसून है वो तेजी से अग्रसर होता है, इस क्षेत्र में भी उच्च वायदाब होता है, हिंद महासागरीय क्षेत्र में भी उच्च वायदाब होता है, एक तरफ केवल न्यून वायदाब होता है। तो चारों तरफ की जो हवाएं हैं वो तेजी से भारत की ओर अग्रसर होती हैं, और ये जो हवाएं हैं ये भारत में मानसून को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करती हैं। इस प्रकार से ये हवाएं हैं ये विपरीत दिशा की ओर चली जाती हैं और भारतीय क्षेत्र की ओर अग्रसर होती हैं। साथ ही ये जो मानसूनी जो शाखा है ये भी तेजी से भारत की ओर बढ़ती है, और इस उपस्थिति में 1 जून को केरल तट पर पहुंच जाता है, 1 जून को केरल तट पर स्पर्श कर जाता है। तो यही स्थिति होती है जब अलनिनो और लानिनो की मौसमी परिघटना उत्पन्न होती है, उस समय मानसून है वो एक समय अत्यधिक सक्रिय होता है, एक समय निष्क्रिय होता है या विलंब से चलता है। जब विलंब से चलता है तो भारतीय क्षेत्र में होने वाली जो कृषि है वो कृषि प्रभावित होती है, इसलिए इसको कहा जाता है भारतीय मानसून का अभिशाप। तथा जब लानिनो की जलधारा उत्पन्न होती है तब भारतीय मानसून ज़्यादा सक्रिय होता है, इस समय भारतीय कृषि भी उन्नत होती है, अच्छी होती है, इसको कहा जाता है भारतीय मानसून का वरदान। तो ये थी अलनिनो और लानिनो की क्रियाविधि। अब हम देखते हैं भारत में आने वाली जो मौसमी क्रियाविधि के अंतर्गत मानसून की जो शाखाएं हैं उनको, यहाँ तक कि आप समझ पाए होंगे। अब देखते हैं भारत में मानसून। तो भारत में जो मानसून है वो दो शाखाओं के रूप में चलता है, दो प्रकार का मानसून है। एक कहलाता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, एक है उत्तरी पूर्वी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है उसकी दो शाखाएं हैं, एक शाखा कहलाती है अरब सागरीय शाखा, एक कहलाती है बंगाल की खाड़ी शाखा। बंगाल की खाड़ी शाखा। अब यहाँ हम देखेंगे भारतीय मानसून किस प्रकार से अग्रसर हो रहा था, किस प्रकार से गतिमान था, और भारत में किस प्रकार से वर्षा हो रही थी। अब यहाँ भी देखिए अपने एग्जाम को लेकर के सबसे ज़्यादा जो प्रश्न है वो इस टॉपिक को लेकर के भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब याद रखिए किस प्रकार से भारतीय मानसून है, भारत में सक्रिय होता है तो वर्षा कर पाता है। तो हम देखिए सबसे पहले भारतीय मानसून के संदर्भ में ये भारत की स्थिति है। इस समय
ग्रीष्म काल में चलने वाला मानसून व शीतकाल में चलने वाला मानसून किस प्रकार से गतिवान होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रीष्म काल में चलने वाले मानसून की स्थिति। ग्रीष्मकालीन मानसून, इस ग्रीष्मकालीन मानसून को कहा जाता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ये कहलाता है ग्रीष्मकालीन मानसून। ग्रीष्मकालीन मानसून ये कहलाता है शीतकालीन मानसून। शीतकालीन मानसून, तो हम सबसे पहले देख रहे हैं ग्रीष्मकालीन मानसून। तो ग्रीष्म काल में एक तो हमने सबसे पहले ये देखा था कि ग्रीष्म काल में नून वायुदाब का जो क्षेत्र है वो होता है पश्चिमी मरुस्थल पेशावर क्षेत्र, लो प्रेशर। और लो प्रेशर बना था पेशावर व मुल्तान के पास, पश्चिमी राजस्थान वाले जैसलमेर वाले क्षेत्र में। साथ ही उच्च वायदाब वाला क्षेत्र था वो बना था हिंद महासागरीय क्षेत्र में, हाई प्रेशर HP हाई प्रेशर के रूप में ये बना था हिंद महासागरीय क्षेत्र में। हिंद महासागरीय क्षेत्र में उच्च वायदाब तथा धरातलीय क्षेत्र के मरुस्थलीय क्षेत्र में न्यून वायदाब। तो हवाएं उच्च वायदाब से न्यून वायदाब की ओर अग्रसर होती हैं, तो इनकी दिशा होती है ये। इस प्रकार से गतिमान होता है। यही पवने जब बंगाल की खाड़ी शाखा के रूप में आगे चलती हैं तो इस प्रकार से गतिमान होती हैं। तो इसकी दो शाखाएं हो गई, एक अरब सागरीय शाखा, एक बंगाल की खाड़ी शाखा। इसको कहा जाता है अरब सागरीय शाखा, इसको कहा जाता है बंगाल की खाड़ी शाखा। तो ये है बंगाल की खाड़ी शाखा। बंगाल की खाड़ी शाखा ये है हिंद महासागर के उत्तर में अरब सागरीय शाखा, अरब सागरीय शाखा। तो अरब सागरीय शाखा का सबसे पहले मानसून के रूप में प्रवेश होता है वो केरल तट पर माना जाता है। केरल तट पर 1 जून को केरल तट पर प्रवेश करता है। अब ये भी याद रखेंगे केरल तट पर आता है तो यहाँ अपने लिए जितने भी प्रश्न बनते हैं वो अलग अलग प्रकार से यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। केरल तट पर वर्षा की पहली अवस्था प्रारंभ होती है कितनी तारीख को होती है, 1 जून को होती है। 1 जून को मानसून सबसे पहले किस तट पर पहुंचता है हम देख पाते हैं केरल तट पर, लेकिन केरल तट नाम नहीं आता, तट का नाम दिया जाता है। इस तट को कहा जाता है अरब सागरीय शाखा की पहली वर्षा, प्रथम वर्षा। तो प्रथम वर्षा है वो केरल तो राज्य में होती है, केरल ही तट पर होती है। इस तट का नाम है, ये है मालाबार तट। यहाँ अपने लिए प्रश्न नया होता है किस तट पर अरब सागरीय शाखा या दक्षिणी पश्चिमी मानसून की सबसे पहले वर्षा होती है, तो केरल राज्य में केरल तट पर व मालाबार तट पर सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है। कितनी तारीख को करता है, सामान्य परिस्थिति में 1 जून को केरल तट पर मानसून प्रारंभ हो जाता है। लेकिन यही स्थिति अगर हम दूसरी स्थिति में देखें तो यहाँ कुछ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की स्थिति पाई जाती है। अंडमान निकोबार की द्वीप स्थिति है, यहाँ सबसे पहले मानसून की जो ये हवाएं हैं ये सबसे पहले अंडमान निकोबार पर पहुँचती हैं। तो अंडमान निकोबार पर सबसे पहले वर्षा करेंगी, अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार पर वर्षा कब करती हैं ये भी ध्यान दें, 25 मई को सबसे पहले
वर्षा होती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। यहाँ ध्यान दें, दोनों ही एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के रूप में है। अगर ऑप्शन में हमारे हो कि भारत में सबसे पहले अरब सागरीय मानसून की शाखा या दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शाखा है वो सबसे पहले किस क्षेत्र में वर्षा करती है, तो अंडमान निकोबार पर सबसे पहले वर्षा करती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शाखा। 25 मई के लगभग अंडमान निकोबार पर ये मानसून सक्रिय हो जाता है। लेकिन राज्यों की बात करें तो सबसे पहले केरल राज्य में मानसून सबसे पहले वर्षा प्रारंभ करता है। कब करता है? 1 जून को वर्षा प्रारंभ करता है केरल तट पर, 1 जून को वर्षा प्रारंभ हो जाती है, 1 जून को वर्षा प्रारंभ हो जाती है। किस तट पर होती है? तो मालाबार तट पर वर्षा होती है। अब थोड़ा सा इसको और भी ध्यान देंगे, 1 जून के बाद में जो ही मानसून की उपस्थिति आती है 5 जून को निकट पड़ती है गोवा के निकट से होकर के, फिर पड़ती है महाराष्ट्र के निकट से होकर के 10 जून को, यानी कह सकते हैं मुंबई है यहाँ 10 जून को वर्षा होती है, 10 जून को वर्षा होती है मुंबई तट पर। गोवा तट पर होती है, ये होती है 5 जून को, गोवा है यहाँ 5 जून को वर्षा होती है। जो ही आगे हम राजस्थान की बात करें, पंजाब की बात करें, तो ये उपस्थिति होती है जून के अंतिम सप्ताह में, जून के अंतिम सप्ताह में, जून के अंतिम सप्ताह में वर्षा प्रारंभ होती है। इस समय संपूर्ण भारत में लगभग जून के अंतिम सप्ताह में जाकर के मानसून सक्रिय हो जाता है। अब यहाँ ध्यान दें, जब ग्रीष्मकालीन मानसून जून में सक्रिय होता है तो 1 जून से लेकर के जून के अंतिम सप्ताह तक जा रहा है तो सामान्यतः ये लगभग 29 दिन का समय लेता है। 29 दिन में संपूर्ण भारत में मानसून सक्रिय हो जाता है, मानसून की सक्रियता हो जाती है। अब ये ध्यान दें, अपने लिए प्रश्न ये भी आता है कितने दिनों में संपूर्ण भारत में मानसून वर्षा करना प्रारंभ कर देता है, तो लगभग 29 दिनों के बीच संपूर्ण भारत में वर्षा प्रारंभ हो जाती है या मानसून सक्रिय हो जाता है। अब यहाँ ध्यान देंगे, इस मानसून के समय, किस मानसून? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय जब वर्षा सबसे पहले केरल तट पर प्रारंभ होती है तो इस समय हम जून का महीना देख रहे हैं। जून के महीने में अचानक से तेज होने वाली वर्षा को कहा जाता है मानसून प्रस्फोट। अब यहां मैं थोड़ा सा एक बार इसको मिटा देता हूं और नेक्स्ट आगे देखिए, प्रस्फोट, मानसून प्रस्फोट। मानसून प्रस्फोट क्या है? प्रस्फोट का तात्पर्य है अति वृष्टि या वर्षा, अति वर्षा या अतिवृष्टि, बहुत ही ज्यादा वर्षा, इसको कहा जाता है मानसून का प्रस्फोट। तो ये होता है जून माह में, जून माह में वर्षा का अचानक तीव्र होना या तेज वर्षा होना, ये कहलाता है मानसून का प्रस्फोट। जब हम देख रहे हैं जून माह में अंतिम सप्ताह तक संपूर्ण भारत में वर्षा प्रारंभ हो जाती है तो ये उपस्थिति जून जुलाई व अगस्त माह में, जून जुलाई व अगस्त माह में वर्षा की क्रियाविधि सक्रिय रहती है 3 महीने में, जून जुलाई व अगस्त माह में, जून जुलाई व अगस्त माह में मानसून अधिक सक्रिय रहता है। जब हम देखें तो अगस्त माह जब समाप्त होता है, सितंबर माह प्रारंभ आता है या प्रारंभिक अवस्था होती है, तो इनके बीच में कुछ गैप आ जाता है। जून से जुलाई के बीच, जुलाई से अगस्त के बीच कुछ मानसून के बीच अंतराल आ जाता है,
अंतराल आ जाता है और ये अंतराल 10 से 15 दिन का हो जाता है। इस 10 से 15 दिन के अंतराल को कहा जाता है मानसून विच्छेद काल, मानसून विच्छेद काल होता है। तो मानसून विच्छेद क्या है? मानसून विच्छेद का तात्पर्य है वर्षा के बीच अंतराल आ जाना, मानसून के समय वर्षा होते होते कुछ दिनों के विलंब के साथ रुक जाती है तथा 10 से 15 दिनों के बाद पुनः वर्षा प्रारंभ होती है। इस समय अवधि के बीच में जो अंतराल आ गया, इस अंतराल को मानसून का विच्छेद काल कहा जाता है। तो सामान्यतः किन महीनों में आता है? मानसून के सक्रिय महीनों के बीच अंतराल को मानसून का विच्छेद काल कहा जाता है। जून जुलाई, जुलाई अगस्त माह के बीच में मानसून के विलंब को, मानसून के अंतराल को, मानसून के गैप को या मानसून की उपस्थिति में वर्षा की रुक जाने की अवस्था कहलाती है मानसून का विच्छेद काल। अब आगे हम देखें, जब सितंबर माह प्रारंभ हो चुका होता है, सितंबर माह में ये हवाएं जो आगे चल रही थी, इस प्रकार से अग्रसर थी, आगे जा चुकी थी, इन हवाओं का एक समय स्थिर हो जाना होता है। तो सितंबर माह में जाकर के मानसून स्थिर हो जाता है, सितंबर माह में मानसून है वो स्थिर हो जाता है, मानसून स्थिर हो जाता है, मानसून स्थिर हो जाता है। धीरे धीरे ये हवाएं वायुदाब के प्रभाव के कारण निष्क्रिय हो जाती हैं और एक समय उच्च वायुदाब व न्यून वायुदाब का क्षेत्र बदल जाता है और इसी समय जब न्यून वायुदाब का क्षेत्र अलग हो जाता है तो ये पवने, शीत ऋतु की उपस्थिति होती है सितंबर माह में तो धरातलीय क्षेत्र ठंडा होने लगता है और जलीय जो क्षेत्र है वहाँ न्यून वायुदाब का केंद्र स्थापित होता है, तो हवाएं वापस लौटना प्रारंभ कर देती हैं और इस वापस लौटने की क्रिया को कहा जाता है मानसून का निवर्तन काल या मानसून का लौटना। तो इस उपस्थिति को कहा जाता है मानसून का निवर्तन या लौटना। एक बार यहाँ तक के लिए आप नोट डाउन करें, आगे की शब्दावली और आगे के बारे में हम जानकारी लेंगे। आगे देखें, अगली स्थिति में हम देख रहे थे मानसून निवर्तन या मानसून का लौटना, या इसी को कहा जाता है लौटता मानसून, लौटता मानसून। याद रखेंगे, इस पर कई सारे प्रश्न बनेंगे। अभी देखिए, हम सारे लॉजिकों को देखेंगे, क्योंकि इस समय वर्षा करते करते पूरे भारत में वर्षा हो रही थी, 3 महीने तक लगातार वर्षा होने के उपरांत हवा में जो आर्द्रता की मात्रा थी वो समाप्त हो चुकी थी। इस वर्षा की उपस्थिति के साथ साथ हमने देखा कि जब मानसूनी पवने अपनी वर्षा करने के बाद शुष्क हो जाती हैं, सर्दी प्रारंभ हो जाती है, सर्दी में उच्च वायुदाब व न्यून वायुदाब बदल जाता है, धरातल से हवाएं जब वापस सागर की ओर चलती हैं या वापस विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करती हैं, तो सितंबर माह में मानसून लौटता है, सितंबर माह में मानसून लौटता है, अर्थात हवाएं जिस दिशा से जा रही थी उसी दिशा की ओर वापस आना शुरू कर देती है, इसको कहा जाता है मानसून का लौटना। ये होता है सितंबर माह में। अगर ऑप्शन में सितंबर नहीं है, क्योंकि ये स्थिति होती है सितंबर माह के अंतिम वीक में, अंतिम सप्ताह की होती है, और अंतिम सप्ताह में है तो ये अगले महीने तक भी होती है, तो सितंबर माह से आगे चल करके ये स्थिति लौटते हुए मानसून के रूप में अगले मानसून की क्रियाविधि पर चली जाती है, इसको कहा जाता है उत्तरी पूर्वी मानसून। लेकिन हम यहाँ एक चीज़ को और देखेंगे, उसके बाद में उत्तरी पूर्वी मानसून पर आएंगे। यहाँ तक की स्थिति कहलाती है मानसून का लौटना। अब हम देखेंगे दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय एक अरब सागरीय शाखा भारत में वर्षा कर रही थी, एक बंगाल की खाड़ी शाखा वर्षा कर रही थी, इसके कुछ तथ्यों को और जानेंगे। देखिए, जब हिंद महासागरीय क्षेत्र से चलने वाली हवाएं आगे की ओर अग्रसर होती हैं तो भारतीय भूमि से टकरा करके दो शाखाओं में विभाजित हो जाती हैं, एक बंगाल की खाड़ी की ओर निकल जाती है तथा एक भारतीय भूमि की ओर चली जाती है। इस समय इस क्षेत्र में वर्षाएँ अधिक होती हैं
इसको कहा जाता है पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट कहलाता है। तो पश्चिमी घाट इसके समानांतर पड़ने के कारण या इसके विपरीत पड़ने के कारण इस क्षेत्र में ये हवाएं, मानसूनी हवाएं जाकर के टकराती हैं। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण टकरा करके हवा ऊपर की ओर उठती है। जब जब हवा ऊपर की ओर उठती है तो वायु दाब में कमी आती है तथा वायु हल्की होकर के, वायु ठंडी होकर के भारी होती है। भारी होने के साथ ही वो वर्षा करना प्रारंभ कर देती है। तो पश्चिमी घाट के इन पश्चिमी ढालों पर वर्षा अधिक होती है तथा पश्चिमी घाट के इन पश्चिमी ढालों पर, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर लगभग 400 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। तो ये एक अधिकतम वर्षा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। अपने माइंड में आता है या अपने मस्तिष्क में एक प्रश्न निकल करके आता है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मेघालय क्षेत्र में पड़ता है, लेकिन क्षेत्र विशेष देकर के पूछा जाता है और मेघालय ऑप्शन नहीं होता है, अपना प्रश्न ही गलत हो जाता है। हम देखते हैं कि इस पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल वाले क्षेत्र में पर्वतीय वर्षा होती है। ये पर्वतीय वर्षा हवाओं को रोकती है और हवाओं को रोकने के कारण जब हवाएं ऊपर उड़ती हैं तो ठंडी होती हैं। ठंडी होने के साथ ही संघनन की क्रिया से वर्षा करती हैं और इस संघनन की क्रिया से यहाँ 400 सेंटीमीटर तक वर्षा हो जाती है। तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर बहुत ज़्यादा वर्षा होने के कारण यहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं तथा यही हवाएं जब इसके विपरीत दिशा में उतरती हैं या इसके पूर्वी ढालों पर उतरती हैं तो पूर्वी ढालों पर वर्षा कम कर पाती हैं। इसको कहा जाता है वृष्टि छाया क्षेत्र। तो यहाँ हम ध्यान दें, इस क्षेत्र को वृष्टि छाया क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल ये कहलाता है वृष्टि छाया क्षेत्र। वृष्टि का तात्पर्य वर्षा है, छाया क्षेत्र का अर्थ है जहाँ वृष्टि नहीं होती है। वृष्टि छाया क्षेत्र, तो वृष्टि छाया क्षेत्र होता है पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल, पूर्वी ढाल तथा पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल है ये अतिवृष्टि क्षेत्र में आता है। जब यही शाखा आगे जाकर के बंगाल की खाड़ी के रूप में आगे जाती है तो इस तट के समानांतर जाने के कारण से तमिलनाडु तट पर वर्षा नहीं कर पाती है। ये क्षेत्र अछूता रह जाता है, वर्षा नहीं हो पाती है। यहाँ ग्रीष्म काल में वर्षा नहीं होने के कारण ये शुष्क रहता है तथा शीतकाल में वर्षा होती है। तो अपने लिए प्रश्न बनकर के आता है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय भारत के किस राज्य में वर्षा नहीं होती है? तो तमिलनाडु राज्य में वर्षा नहीं होती है, तमिलनाडु राज्य में ग्रीष्मकाल। हम यहाँ देख चुके हैं ग्रीष्मकालीन मानसून अर्थात किस मानसून को कहेंगे? दक्षिणी पश्चिमी मानसून को। तो तमिलनाडु राज्य में ग्रीष्मकाल में वर्षा नहीं होती है, ग्रीष्मकाल में वर्षा नहीं होती है। तो भारत का वह राज्य जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा प्रारंभ नहीं करता या वर्षा प्राप्त नहीं करता वह राज्य तमिलनाडु राज्य है। अब इसका सीधा संबंध तमिलनाडु के तट को लेकर के भी पूछा जा सकता है, किस तट पर वर्षा नहीं होती? इसको कहा जाता है कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट पर ग्रीष्मकाल में वर्षा नहीं होती तो विपरीत समय वर्षा होती है अर्थात उत्तरी पूर्वी मानसून के समय वर्षा होती है, जिसको अभी देखेंगे। तो इस समय ये शाखा दो भागों में बढ़ जाती है, एक गंगा घाटी से होकर के प्रवेश करती है तथा एक मेघालय क्षेत्र से तथा मणिपुर क्षेत्र से होकर के प्रवेश करती है। इस शाखा की जो हवाएं हैं ये इन पहाड़ी क्षेत्रों में, ये पड़ता है हमारा मेघालय क्षेत्र, इस मेघालय वाले क्षेत्र में यहाँ पहाड़ियों की कुछ आकृति है वो कीपाकार है, इस प्रकार से पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। इन पहाड़ियों की आकृति कीपाकार होने के कारण से ये हवाएँ ऊपर अवरोध पाती हैं, रुक जाती हैं तथा इसी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा करती हैं। तो यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है और सर्वाधिक वर्षा, विश्व की सर्वाधिक वर्षा है वो मेघालय क्षेत्र में माउसिन राम नामक स्थान पर होती है। माउसिन राम नामक स्थान मेघालय में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। अब यहाँ ये भी ध्यान दें, माउसिन राम नामक जो स्थान है ये खासी पहाड़ियों में पड़ता है, गारो खासी व जयंती की पहाड़ियाँ हैं।
जहाँ मेघालय का पठारी प्रदेश है। इस पठारी प्रदेश में खासी जो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ सर्वाधिक वर्षा माउसिन रामक नामक स्थान पर होती है। यह विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, विश्व की सर्वाधिक वर्षा, विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है, विश्व की सर्वाधिक वर्षा भारत में होती है। मेघालय तो राज्य है, मेघालय तथा स्थान है माउसिन राम नामक स्थान, इस पर वर्षा होती है। कौन सी शाखा से होती है? बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। प्रश्न इम्पोर्टेंट है, भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है मेघालय राज्य है, मेघालय का पठार है, यहाँ राज्य भी दिया जा सकता है और यहाँ मेघालय का पठार भी दिया जा सकता है, ये भी ध्यान रखेंगे। मेघालय का पठार, मेघालय के पठार पर सर्वाधिक वर्षा होती है। मेघालय के पठार में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? माउसिन रामक नामक स्थान पर होती है। इससे पहले सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान चेरापूंजी हुआ करता था, वर्तमान में माउसिन रामक नामक स्थान है। कौन सी पहाड़ियों में पड़ता है? खासी पहाड़ियों में पड़ता है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो बंगाल की खाड़ी की शाखा व अरब सागरीय शाखा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के रूप में भारत में वर्षा करती हैं, सर्वाधिक वर्षा करती हैं। अब यहाँ भारत में सर्वाधिक जो वर्षा होती है ये ध्यान देंगे कौन सी शाखा से होती है, तो आपको याद रखना है बंगाल की खाड़ी शाखा है वो सर्वाधिक वर्षा करती है। क्यों करती है, किस प्रकार से करती है, इसके लॉजिक को भी समझें। अभी हमने देखा पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल तो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है, लेकिन इन हवाओं में वर्षा की मात्रा या आर्द्रता की मात्रा घट जाने के कारण से आगे वाले क्षेत्र में वर्षा कम कर पाती है। जो ही ये पवनें आगे जाती हैं तो इसका जो वर्षा प्रभावी क्षेत्र है वो केवल हमें हिमालय क्षेत्र देखने को मिलता है, क्योंकि भारत में यहाँ से एक पर्वत श्रृंखला है जिसको कहा जाता है अरावली। इस अरावली पर्वत श्रृंखला के समानांतर होने के कारण इस क्षेत्र में वर्षा नहीं होती और आगे चल करके हिमालय की उपस्थिति इस प्रकार से होने के कारण हिमालय क्षेत्र में ये पुनः वर्षा अधिक कर पाती है। तो इससे कम क्षेत्र में वर्षा होती है तथा इस बंगाल की खाड़ी शाखा से अधिकांश भारत में वर्षा होती है तथा सर्वाधिक वर्षा होती है। अब यहाँ लॉजिकली प्रश्न ये बनता है कि बंगाल की खाड़ी शाखा से अगर वर्षा होती है, इस वर्षा के क्षेत्र को अधिक से कम की ओर व्यवस्थित करें तो कौन सी दिशा में होगा? अधिक से कम की ओर, तो तटवर्ती क्षेत्रों में अधिक वर्षा होगी। अगर हम बात करें कोलकाता की, कोलकाता क्षेत्र में वर्षा अधिक होगी। अगर आगे जाकर के हम बात करें पटना की, पटना में वर्षा इससे कम होगी। आगे चलकर के बात करें कानपुर की, यहाँ वर्षा और कम होगी। और आगे चलकर के बात करें दिल्ली की तो और कम वर्षा होगी। तो दिशा कौन सी हुई? पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी आना प्रारंभ होता है तथा पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा बढ़ती हुई प्रतीत होती है या वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती चली जाती है। तथा यही प्रश्न हमारे राजस्थान के ऊपर उठा करके पूछ लिया जाता है। अब जब हवाओं की दिशा इस प्रकार से है, इस प्रकार से चल रही है, तो इन हवाओं के विपरीत अरावली आती है। तो भारत में राजस्थान राज्य जो वर्षा की मात्रा प्राप्त करता है, इसमें सर्वाधिक जो वर्षा है वो बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है तथा अरब सागरीय शाखा अरावली के समानांतर होने के कारण वर्षा नहीं कर पाती है तथा यही शाखा आगे जाकर के हिमालय से टकरा करके उत्तराखंड व हिमाचल प्रदेश में वर्षा अधिक करती है। आगे हम देखते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून की शाखा के बारे में। देखिए अब हम देखें उत्तरी पूर्वी मानसून की क्रियाविधि के बारे में, तो उत्तरी पूर्वी मानसून किस प्रकार से भारत में वर्षा कर पाता है, देखिए। अभी हमने देखा दक्षिणी पश्चिमी मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो उपस्थिति थी वो इस प्रकार से चल रही थी, यही हवाएं जब विपरीत दिशा में चल करके आती हैं तो इसको कहा जाता है लौटता मानसून। तो लौटते मानसून से वर्षा कब होती है? हमने लौटते मानसून की स्थिति को देखा, सितंबर माह में हवाएं लौटना प्रारंभ करती हैं। तो जब उत्तरी पूर्वी मानसून की हवाएं आती हैं, इस समय भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, ध्यान होगा भूमध्य रेखीय क्षेत्र,
जीरो डिग्री अक्षांश रेखा। इस भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में सूर्य की जो उपस्थिति है वो इससे दक्षिण की ओर चली जाती है, यानी 22 दिसंबर की जो उपस्थिति आती है वो हमने देखी थी मकर रेखा पर होती है। अभी हम चर्चा कर रहे हैं सितंबर माह की, तो सितंबर माह में सूर्य कहाँ होता है, विषुवत रेखा पर होता है। हमने देखा था सितंबर माह की कौन सी उपस्थिति थी जो हमें सीधी किरणों के रूप में प्राप्त होती है, एक तो सितंबर माह था, एक मार्च का महीना था, मार्च और सितंबर में। तो अभी जब सितंबर माह हम लौटते मानसून की बात कर रहे हैं तो विषुवत रेखा की जो स्थिति है यहाँ सूर्य की उपस्थिति ज़्यादा होने के कारण न्यून वायु दाब का केंद्र यहाँ बनता है तथा उच्च वायु दाब का केंद्र है वो उत्तरी गोलार्ध में बन रहा था। इस समय एक स्थिति होती है ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र के उत्तर में भी बनती है, यहाँ है भूमध्य सागर। इस भूमध्य सागर से चक्रवात उत्पन्न होते हैं और ये चक्रवात इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए निकलते हैं। जब ये भारत की ओर आते हैं तो इस समय भारत में प्रवेश करते समय ये मरुस्थल से होकर के प्रवेश करते हैं तथा पंजाब से होकर के प्रवेश करते हैं। तो पंजाब व राजस्थानी क्षेत्र से, राजस्थान या पंजाब से होकर के इस भूमध्य सागरीय जो चक्रवात हैं इनकी प्रवेश की स्थिति भारत में होती है शीतकाल में। इनकी एक शाखा है ये हिमालय से टकरा जाती है और हिमालय से टकराने के उपरांत यहाँ पामीर का पठार है, इसको कहा जाता है पामीर की गांठ। तो इस पामीर के पठार से टकराने के उपरांत ये हवाएं उत्तरवर्ती होकर के एक शाखा के रूप में उत्तर से होकर के तिब्बत की ओर आ जाती है, इस प्रकार से अग्रसर होती है तथा एक शाखा भारत में प्रवेश कर जाती है। भारत में प्रवेश करती है तो ये प्रवेश करती है पंजाब व राजस्थान से प्रवेश करती है। तो पंजाब व राजस्थान से प्रवेश करती हुई उत्तर भारत में वर्षा करती है, यहाँ वर्षा होती है। इस समय शीतकाल में होने वाली इस वर्षा को कहा जाता है मावठ की वर्षा। शीतकाल में होने वाली उत्तर भारत में चक्रवातीय वर्षा को मावठ की वर्षा कहा जाता है। प्रश्न पूछ लिया जाता है मावठ की वर्षा क्या है, भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होने वाली शीतकालीन जो वर्षा है जो उत्तर भारत में होती है मावठ की वर्षा कहलाती है। अगर भूमध्य सागरीय चक्रवात नहीं दिए हुए हों तो इसको ये भी दिया जाता है विक्षोभों से होने वाली वर्षा, तो विक्षोभीय वर्षा भी कहलाती है। तो भूमध्य सागर से उठने वाले चक्रवात जब भारत तक आते हैं तो रास्ते में अपनी वर्षा को या अपनी आर्द्रता को खोते हुए आते हैं, वर्षा करते हुए आते हैं। भारत में प्रवेश करते समय इनमें आर्द्रता घट जाती है तो कभी कभार ऐसी स्थिति आती है कि शीतकाल में वर्षा होती है, उसको कहा जाता है मावठ की वर्षा। लेकिन इसी समय जब हमें चाइना के साथ या चीन के साथ देखने को मिलती है तो चीन के पास में पड़ता है ये चीन सागर, जिसको कहा जाता है दक्षिणी चीन सागर। इस दक्षिणी चीन सागर में बनता है उच्च वायुदाब का केंद्र। दक्षिणी चीन सागर ये उच्च वायुदाब का केंद्र होता है, उच्च वायुदाब का केंद्र होता है। और कब होता है उच्च वायुदाब का केंद्र, शीत ऋतु में होता है। हम देख चुके हैं शीत ऋतु, तो शीत ऋतु में उच्च वायुदाब का केंद्र विकसित होता है। तो प्यारे साथियों यहाँ ध्यान रखेंगे, एक तो होता है दक्षिणी चीन सागर में, एक होता है साइबेरिया क्षेत्र में, एक दक्षिणी चीन सागर में तथा एक भूमध्य सागरीय क्षेत्र में उच्च वायुदाब का केंद्र विकसित होता है। अब हवाएं उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की ओर चलेंगी, तो इस समय न्यून वायुदाब का जो केंद्र होता है वो हिंद महासागर पर होता है। न्यून वायुदाब ये बनता है हिंद महासागर में और हिंद महासागरीय क्षेत्र की ओर पवने चलना प्रारंभ कर देती हैं। तो न्यून वायुदाब का क्षेत्र है वो हिंद महासागर होता है, हिंद महासागर होता है। अब यही पवने इस प्रकार से आगे बढ़ती हैं। जब भूमध्य सागरीय चक्रवाती जो हवा है जो तिब्बत के क्षेत्र से होकर के आगे बढ़ रही थी, पामीर के पठार से टकरा करके चाइना की ओर आगे जा रही थी, एक शाखा पंजाब राजस्थान से भारत में प्रवेश कर चुकी थी,
ये शाखा आगे जाकर के इन हवाओं के साथ मिल जाती है तथा अपनी दिशा को उत्तर पूर्ववर्ती कर लेती है, अर्थात इन उत्तरी पूर्वी हवाओं के साथ मिल जाती है और भारत में प्रवेश करती है। तो भारत में इस अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में ये प्रवेश करती हैं ये हवाएं। अब प्रश्न पूछा जाता है उत्तरी पूर्वी मानसूनी हवाएं भारत में प्रवेश करती हैं तो अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती हैं, अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती हैं। उत्तरी पूर्वी मानसून के रूप में तब वर्षा अधिक कर पाती हैं। तो सामान्य रूप से अगर पूछ लिया जाए तमिलनाडु में सामान्य वर्षा काल के महीने होते हैं तो हम आंसर देंगे सामान्य काल में वर्षा काल के जो महीने होते हैं वो होते हैं अक्टूबर नवंबर व दिसंबर माह होते हैं। इनमें से जो भी युग्म होगा वो आपको छांट करके करना है। अगर अधिक वर्षा पूछ ली जाए तो अधिक वर्षा का समय होता है वो होता है नवंबर व दिसंबर माह में वर्षा अधिक होती है, दिसंबर माह में वर्षा अधिक होती है, नवंबर दिसंबर में वर्षा अधिक होती है। तो शीतकाल में वर्षा होती है तमिलनाडु राज्य में वर्षा होती है, कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है, कोरोमंडल तट पर होने वाली वर्षा को उत्तरी पूर्वी मानसून की वर्षा कहा जाता है। ग्रीष्म काल यहाँ शुष्क रहता है तो ये भी ध्यान रखें कोरोमंडल तट है ये ग्रीष्म शुष्क रहता है, ग्रीष्म शुष्क रहता है इसलिए यहाँ की जलवायु कुछ अलग ही प्रकार की जलवायु बनती है। जहाँ शीतकाल में वर्षा होती है ग्रीष्म काल शुष्क रहता है ऐसी जलवायु को भूमध्य सागरीय जलवायु कहा जाता है। तो इसका हम आगे उल्लेख करेंगे जब हम भारत की जलवायु का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो जलवायु वर्गीकरण पढ़ने से पहले आपने मानसून की क्रियाविधि को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। जहाँ तक मैं मानता हूँ हमारे मानसून के संबंध में संपूर्ण जानकारियाँ आपको विस्तृत रूप में प्रदान की गई हैं। अब इस संदर्भ में जो प्रश्न आते हैं एक बार पुनः ध्यान दे लें, चेक कर लें। मानसून को लेकर के जो हमारे प्रश्न होते हैं मानसून प्रस्फोट क्या होता है, मानसून विच्छेद क्या होता है, मानसून का लौटना क्या होता है, उत्तरी पूर्वी मानसून क्या होता है, मानसून का शीतकालीन मानसून क्या होता है, शीतकालीन मानसून के समय वर्षा कहाँ अधिक होती है, कौन से राज्य में वर्षा अधिक होती है, कौन से तट पर वर्षा अधिक होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो हमने देखा था दक्षिणी पश्चिमी मानसून के समय पश्चिमी घाट क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है तथा साथ ही देखा था मेघालय वाले क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है। मेघालय क्षेत्र में वर्षा अधिक होने का कारण क्या था, कीपाकार पहाड़ियों की आकृति, पहाड़ियों की जो आकृति है वो कीपाकार है तो कीपाकार आकृति होने के कारण हवाओं को जाने से अवरोध देती हैं और वर्षा प्राप्त करती हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की शाखा में कौन से शाखा से सर्वाधिक भारत में वर्षा होती है, बंगाल की खाड़ी शाखा से वर्षा होती है। अरब सागरीय मानसून में आर्द्रता ज़्यादा होती है लेकिन वर्षा कम होती है, बंगाल की खाड़ी में आर्द्रता कम लेकिन वर्षा अधिक होती है। वर्षा की उपस्थिति को अगर हम देखें तो बंगाल की खाड़ी की शाखा से पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी आना प्रारंभ होती है तथा पश्चिम से की ओर बढ़ने पर वर्षा की मात्रा में वृद्धि होना प्रारंभ होती है। इस प्रकार से हमारी उपस्थिति पाई जाती है, इस प्रकार से हमारी मानसून की क्रियाविधि होती है संपूर्ण। आगे हम देखेंगे हमारे भारत की जलवायु का वर्गीकरण, तो हम भारत की जलवायु के वर्गीकरण को पढ़ेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, लाइक और शेयर करें। आपके अगर कोई क्वेश्चन हैं तो आप उन क्वेश्चनों को आप कमेंट बॉक्स में डालें और नेक्स्ट क्लास में इसी समय इसी चैनल पर पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, लॉकडाउन का पालन करें तथा अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।